नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड को बंद करवाने से पहले किस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपको बेनिफिट रहे, आपका कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, हमें किसी भी क्रेडिट कार्ड को बंद करवाने से पहले उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम किसी भी क्रेडिट कार्ड को लेने से पहले उस पर रिसर्च करते हैं, क्योंकि इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है आपके पर्सनल फाइनेंस पे और आपकी सिविल रिपोर्ट पे। अक्सर हम में से काफ़ी सारे लोग नए नए ऑफर आते रहते हैं अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर, तो हम अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड लेते हैं उन ऑफरों को लेने के लिए। और बाद में क्या होता है कि वो जो ऑफर होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, एक टाइम के बाद चले जाते हैं, तो हमारे जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो सालों तक यूज में नहीं आते हैं। तो ऐसे में उनकी जो सालाना फीस होती है, एनुअल फी होती है, वो हम पे चार्ज होती चली जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में उस एनुअल फी को पे करते रहना बिना यूज़ के, ये भी एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो इस तरह से आपको अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करवाने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जिस भी क्रेडिट कार्ड को बंद करवाना चाह रहे हैं वो आपका पुराना वाला क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पुराने कार्ड होते हैं उसमें आपने टाइम पे पेमेंट किया है वो सारा रिकॉर्ड उसमें रहता है और उसके बेसिस पे आपकी सिविल रिपोर्ट अच्छी बनी रहती है। अगर आप पुराने क्रेडिट कार्ड को कैंसिल या बंद करवा देंगे तो आपके द्वारा इतने टाइम में बिल्ड की हुई आपकी सिविल रिपोर्ट भी साथ में चली जाएगी। तो आप कभी भी अपने पुराने क्रेडिट कार्ड्स को बंद ना कराएं, आप अपने नए क्रेडिट कार्ड्स को बंद कराएं। अब आगे मैं बताता हूं कि क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना चाहिए जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड को बंद कराना चाहते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर सारे ड्यूज को क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी आप क्रेडिट कार्ड को बंद करने के लिए बैंक कॉल करेंगे तो वो सबसे पहले आपको इसी काम के लिए बोलेंगे। तो ये काम आप पहले ही करके चलें। अगर आपके कार्ड पे कोई ईएमआई चल रही है तो आप पहले ईएमआईस को कैंसिल करा के पूरा पेमेंट उनका कर दीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी दूसरे कार्ड में अपने जिस कार्ड को आप बंद कराना चाहते हैं उसकी आउटस्टैंडिंग को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब आप ये स्टेप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी के कस्टमर केयर को कॉल करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आप इस कार्ड को बंद करवाना चाहते हैं, आपने सारा ड्यू क्लियर कर दिया है, सारी पेमेंट कर दी है और आप इस कार्ड को बंद कराना चाहते हैं। ऐसा करने पे हो सकता है आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले अपने साथ बनाए रखने के लिए कुछ अच्छे अच्छे ऑफर के भी बोलें, लेकिन जब आपने एक बार मन बना लिया है तो आप बंद ही करवाएंगे, तो आप उनको साफ बोल दीजिए कि आपको अपना कार्ड बंद करवाना। और जब आपका क्रेडिट कार्ड कैंसिल वो कर देते हैं उसके बाद आपको उनको पूछना चाहिए कि कैंसिलेशन का कन्फर्मेशन ईमेल आपके ईमेल आईडी पे आया है कि नहीं आया है। अगर आपकी ईमेल आईडी पे कोई भी ईमेल नहीं आया है कंफर्मेशन का, तो आप उनसे बोलिए, जिसमें मेंशन होना चाहिए आपका नाम, आपका एड्रेस और आपके कार्ड के लास्ट के चार डिजिट। ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है, आपको कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि आपने अपना क्रेडिट कार्ड बंद करा दिया, आपके पास वो एक सबूत के तौर पर रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कस्टमर को बता दिया जाता है कि उनका क्रेडिट कार्ड बंद हो गया है, लेकिन वो दरअसल बंद होता नहीं है और उन पर जो चार्जेस हैं वो लगते रहते हैं। तो आपको पहले ईमेल पर कन्फर्मेशन लेना ज़रूरी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको फिर जब आपके पास मेल आ जाएगा कन्फर्मेशन कि आपका जो है कार्ड कैंसिल हो चुका है या डीएक्टिवेट हो चुका है, तो उसके बाद आपको फिर से कस्टमर केयर पे कॉल करना है और उनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट के लिए डिमांड करनी है। नो ड्यू सर्टिफिकेट में ये साफ साफ लिखा रहता है कि आपने सारा ड्यू क्लियर कर दिया है, आपके पास एक सिंगल पैसा नहीं है बैंक का, आपको वो सर्टिफिकेट में ये सब लिख के देते हैं, ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट होता है अगर आपसे क्रेडिट कार्ड कंपनी कहती है कि आपका ये ड्यू है, कोई डिस्प्यूट अगर आता है तो आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए। नो ड्यू सर्टिफिकेट का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, तो आप उनसे ये सर्टिफिकेट ज़रूर ले लें। जब आपका क्रेडिट कार्ड कैंसिल हो जाता है, सही तरीके से सारा प्रोसीजर फॉलो कर लेते हैं आप, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने सिविल रिपोर्ट को चेक करना चाहिए कि उसमें कोई नेगेटिव फर्क तो नहीं पड़ा है। अगर ऐसा होता है, आपको लगता है कोई नेगेटिव फर्क पड़ा है, तब आप क्रेडिट कार्ड कंपनी पर क्लेम भी कर सकते हैं और उनको पूछ भी सकते हैं कि क्यों आपका सिविल स्कोर खराब हुआ जबकि आप पूरा पेमेंट कर दिया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप क्रेडिट कार्ड बंद कर देते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी पूरा पेमेंट करने के बाद में भी आपके सिविल रिपोर्ट में जब भेजती है आपका डेटाबेस, उसमें दिखाती है कि ड्यू है, ताकि आपका सिविल स्कोर कम हो जाए। क्योंकि सिविल स्कोर कम हो जाएगा तो आपको फ्यूचर में भी क्रेडिट कार्ड या लोन लेने में दिक्कत रहेगी। तो आप अपना सिविल स्कोर ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से बंद कर पाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका सिविल स्कोर और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी काफी
अच्छी रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।